मुझे लग रहा है यहाँ के ऑडियंस को भी पता चल गया है राहुल मेरे पापा। मैंने एक्चुअली किसी के पापा का नाम राहुल नहीं सुना आज। बड़ा ये बात बताओ, जब मैं आपके पैर छूता हूँ तो ऐसे करके मैं आता हूँ। ये यू करता है यू। अरे मैं ऐसे करता हूँ। अब आया तुम्हारा। नो आई एम नॉट डन यट। जब ये पैदा हुआ जाओ भाई, मैं पैदा ही नहीं हुआ। और नहीं, मैं कभी भी सोचता अगर मैं पैदा ना होता ये अपना एपिसोड कैसे निकालता। लॉर्ड मैं आपसे एक बात कहने जाता हूँ, ये मुझे बहुत तंग करती है एक्चुअली। इनके फैमिली पूरी मेरे को बड़ा तंग करती है। फैमिली? हाँ? अब फैमिली पर उतर। हाँ, इनकी आदत है मेरी बुराई करते, मेरे होंठों की बुराई करते, मेरी फैमिली की भी बुराई करते। किसकी फैमिली की आप बात सुनेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊं इरफान भाई, मेरे ससुर के 18 बच्चे मोहल्ले में बदनामी हो रही मेरी। मैं इसके पिताजी को बोल चुका हूँ, मैंने कहा बच्चे दो ही अच्छे होते, कहता 18 होने दे, दो अच्छे तो निकलेंगे बीच में से। लॉर्ड दीपिका मैम, मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो दो चुटियां करते बड़े हैंडसम लगते हैं। तू कैसा उदड़ी हुई चुड़ैल लग रहा है तू। ये हमेशा मेरे बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। भला भी बोलते हैं? भला बोलने लायक लगते तो नहीं इसे, बुरा भी बोलते हैं। एक्चुअली आपने सही कहा, ये हमेशा जो है मेरे होंठों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं। कौन सा, ऊपर वाला होंठ नीचे वाला होंठ? Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने, ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसे करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन, सांस अंदर खींच और गोभी निकाल। याद है मेरी पहली लाइन क्या थी? क्या बात है? अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था, तू कहाँ आया था? तू तो यहाँ पैदा हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहा है? मैं आया